गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर टू इज मैटर अराउंड द स्फीयर वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर. आवर टुडेज टॉपिक इज मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स वो सब्सटेंस हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से बने हुए हैं जो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा. ये जो डिफरेंट गैसेस हैं एयर की, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर. यानी जो कॉम्पोजिशन जो है मिक्सचर्स की, वो फिक्स्ड नहीं होती, वो वेरिएबल होती है. ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सैंड इन वाटर, ये सारे सॉल्यूशंस क्या हैं? मिक्सचर्स हैं. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर्स का क्या मतलब है कि जहां पे सब्सटेंसेस पूरी तरीके से मिक्स्ड हो जाते हैं. होमो का मतलब है सेम, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं. ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाला, उसमें हमने शुगर डाल दी और वो डिसॉल्व करी, वो घुल गई, तो उसके कंपोनेंट्स तो हमें दिखे नहीं ना शुगर के, तो वो क्या हुआ? होमोजेनियस मिक्सचर हुआ, जो पूरी तरीके से मिक्स्ड हो गए. और जो मिक्सचर्स जहां पे सब्सटेंसेस सेपरेट होते हैं एंड दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स या फिर ड्रॉपलेट, उन्हें हम कहते हैं हेटरोजेनियस मिक्सचर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर. जब हम एक बीकर लिया, हमने वाटर डाला, उसमें सैंड डाल दी, तो हमने देखा कि सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं, वो नीचे बैठ गई, तो हम देख सकते हैं उसको. मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, ये भी पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हुआ, इनकी भी लेयर्स हमें दिख जाती हैं. तो जिनमें जो मिक्सचर मिक्स्ड नहीं होते पूरी तरीके से, जो सेपरेट रहते हैं और स्प्रेड आउट हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंसेस से एज स्मॉल पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स की तरह, उसे हम क्या कहते हैं? हेटरोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट इज कंपाउंड्स. कंपाउंड्स वो सब्सटेंस हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं और आपस में केमिकली कंबाइंड हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. फिक्स प्रोपोर्शन है बाय मास से. फॉर एग्जाम्पल, वाटर H2O, ये कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आपस में केमिकली कंबाइंड है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास से. अनदर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक जो घर में हमारा होता है, ये भी एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, सोडियम एंड क्लोरीन, केमिकली कंबाइंड. अमोनिया इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे वो बने हुए हैं, बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, सब्लिमेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, वो बाय केमिकल मेथड से ही सेपरेट होते हैं. जो कॉम्पोजिशन जो है मिक्सचर की, वो वेरिएबल होती है, और जो कॉम्पोजिशन है कंपाउंड की, वो फिक्स्ड रहती है. मिक्सचर्स डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है.